हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर हर महादेव, जय शिव शंभु, जय बाबा वैद्यनाथ बोलबम। कांवड़ यात्रा 2022 हरिद्वार। जी हाँ, आज की मेरी वीडियो है कांवड़ यात्रा हरिद्वार से रिलेटेड। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कांवड़ यात्रा हरिद्वार से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ बातें। तो दोस्तों, आज की वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करिएगा, आखिरी तक देखते रहिएगा। हर हर महादेव, जय भोले, जय शिव शंकर। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि इस साल जो कांवड़ यात्रा हरिद्वार में शुरू हुई है, वो शुरू हुई है 14 जुलाई को। जी हां, 14 जुलाई को इस साल की हरिद्वार की कांवड़ यात्रा शुरू हुई है, जो कि चलेगी 26 जुलाई तक। जी हां, 26 जुलाई को कांवड़ यात्रा का हरिद्वार में समापन है, क्योंकि 26 जुलाई को महाशिवरात्रि भी है। जी हाँ, सावन की शिवरात्रि, जिसे सावन की शिवरात्रि, महाशिवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। तो 26 जुलाई को सावन की शिवरात्रि भी है। हरिद्वार की कांवड़ यात्रा में भाग लेने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली के लोग बहुत ही ज़्यादा संख्या में हरिद्वार पहुंच रहे हैं। और इन जगहों से कांवड़िए बहुत ही ज़्यादा तादाद में, बहुत ही ज़्यादा संख्या में हरिद्वार पहुंचते हैं। दोस्तों, हरिद्वार की कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है और बहुत सारे कांवड़िए हरियाणा के, राजस्थान के, दिल्ली के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं हरिद्वार की इस कांवड़ यात्रा में। और दोस्तों, हरिद्वार की कांवड़ यात्रा शुरू हुई थी 14 जुलाई को, ख़त्म होगी 26 जुलाई को। सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र करके कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल उठाकर, हरिद्वार के पवित्र माँ गंगा से जल उठाकर कांवड़िए अपने अपने स्थानों के लिए निकल चुके हैं। 26 जुलाई या 26 जुलाई के पहले वो जितने भी कांवड़िए हैं वो अपने स्थान पर पहुंचने का प्रयास करेंगे और भगवान शंकर को जल अर्पित करेंगे, क्योंकि 26 जुलाई को सावन की शिवरात्रि भी है। तो दोस्तों, सावन की शिवरात्रि की काफ़ी ज़्यादा महिमा है, सावन महीने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। ऐसा माना जाता है कि सावन के महीने में ही सूर्य मंथन हुई थी। सावन का महीना बहुत ही ज़्यादा पवित्र महीना माना जाता है और सावन के महीने में माँ गंगा में से जल भरकर, गंगा जली में लेकर कांवड़िए एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचते हैं। वो शिवालयों में जाकर गंगा जल अर्पित करते हैं भाई। और हरिद्वार की कांवड़ यात्रा में इस साल तकरीबन 4 करोड़ के आसपास कांवड़िए पहुंचने वाले हैं। जी हाँ, 4 करोड़ के आसपास कांवड़िए पहुंचने वाले हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा क्राउड होने वाला है इस साल। और हरिद्वार की कांवड़ यात्रा 14 जुलाई को शुरू हुई थी और मात्र और कुछ ही दिन बचे हैं 26 जुलाई में सावन के शिवरात्रि में। इसी के चलते कांवड़िए अपने स्थानों से निकल चुके हैं, बहुत सारे कांवड़िए हरिद्वार पहुँचते हैं। कुछ कांवड़िए ऋषिकेश जाते हैं, कुछ कांवड़िए गौमुख जाते हैं। अलग अलग स्थानों से माँ गंगा में से जल भरकर वो अपने स्थानों को जाएंगे और भगवान शंकर को जल अभिषेक करेंगे सावन के शिवरात्रि के दिन, सावन महीने के शिवरात्रि के दिन। तो दोस्तों, आज की वीडियो बनाने का मोटिव यही था आप सभी को बताना कि इस साल का सावन महीने का जो शिवरात्रि है वो 26 जुलाई को है और कांवड़ यात्रा जो कि हरिद्वार का है 14 जुलाई को शुरू हुआ था और 26 जुलाई को ख़त्म होगा। तो दोस्तों, आप लोग भी हरिद्वार जा सकते हैं। सावन वैसे तो 12 अगस्त को ख़त्म होगा, बट हरिद्वार की कांवड़ यात्रा 26 जुलाई को ख़त्म होने वाली है, तो आप सभी जा सकते हैं और उसमें शामिल हो सकते हैं। तो सावन के महीने का अलग ही महत्व है, अलग ही महिमा है। सावन की महिमा काफ़ी ज़्यादा अपरंपार है, क्योंकि इसे महादेव का महीना माना जाता है। सावन के महीने में जो भी श्रद्धालु, जो भी तीर्थयात्री माँ गंगा में डुबकी लगाकर, वहाँ से गंगा जल भरकर भगवान शिव जी को जल अभिषेक करते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो इसी के लिए बढ़ चढ़कर कांवड़िए सावन के महीने में आते हैं, तीर्थयात्री हरिद्वार आते हैं, गंगा माँ में डुबकी लगाकर भगवान शंकर के लिए गंगा जली में जल भरकर अपने अपने स्थानों के लिए निकल पड़ते हैं और काफ़ी ज़्यादा लंबी पथ यात्रा करते हैं, पैदल यात्रा करते हैं। कुछ कांवड़िए दिल्ली जाते हैं, जो कि 250 किलोमीटर की दूरी पर हरिद्वार से स्थित है। कुछ कांवड़िए हरियाणा जाते हैं, कुछ कांवड़िए राजस्थान जाते हैं, कुछ कांवड़िए तो 500 से 600 किलोमीटर तक का सफर करते हैं और भगवान शंकर को जल अभिषेक करते हैं। तो दोस्तों, भगवान शंकर का जब बुलावा आता है तो चाहे 500 किलोमीटर हो, चाहे 600 किलोमीटर हो, सारे भक्तों की मुराद और यात्रा बहुत ही अच्छे से संपन्न हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। तो इसी तरह की और वीडियोज़ मैं लेकर आता रहूँगा। और जितने भी हरिद्वार के कांवड़िए इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी यात्रा मंगलमय हो। हर हर महादेव, जय शिव शंभु। दोस्तों, स्वस्थ रहें और 26 जुलाई तक आप बिल्कुल पहुँच जाएंगे बाबा नगर, अपने अपने धाम, अपने अपने शिवालय और भगवान शंकर को आप जल अभिषेक कर पाएंगे। हर महादेव और जय भोले के जयकारे के साथ दोस्तों चलता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।